गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 9 मंथ में जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या कलर ड्रॉपलर स्कैन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, कुछ लोग इसको फीटल स्कैन बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम होते हैं इसके जो 9 मंथ में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि इससे हमें बेबी के बारे में क्या क्या पता लगता है, बेबी के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम, ये स्कैन होता क्यों है 9 मंथ में, और साथ ही साथ इसमें कैसे पता लगेगा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या हमारी सिजेरियन डिलीवरी होगी। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मुझे एक बेबी बॉय हुआ था, तो अपना स्कैन मैं प्रेगनेंसी का आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से आप अपने अल्ट्रासाउंड को पढ़ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा बेबी ठीक तो है, हमारे बेबी के बारे में क्या पता चला है, ये सारी चीजें ना तो हमें वो टेक्नीशियन बताते हैं जो हमारा अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और ना ही वो डॉक्टर से हम ये सारी चीजें डिटेल में पूछ पाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे मन में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मन में ही रह जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हमारे बेबी के बारे में क्या लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड में। हम ये तो गूगल सर्च करते हैं, नेट पे देखते हैं, तो इसमें समय बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इजिली बता दूंगी कि आपके स्कैन में क्या लिखा, आप बहुत आसानी से अपने स्कैन को पढ़ना सीख जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्कैन हमारा 30 से लेके 33 वीक के बीच में होता है, कुछ लोग का थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है। मेनली जो डॉक्टर होता है इसमें वो जानना चाहते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, बेबी की जो ब्लड है फ्लो कैसा है, ब्लड का फ्लो कैसा है उसकी वेसल्स में, वो इस साउंड को भी सुनते हैं अल्ट्रासाउंड के दौरान। तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है बेबी की वेसल्स में, जो धमनियां होती हैं, जो ब्रेन की धमनियां होती है, हार्ट की धमनियां होती हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ब्लड का क्लॉट बना हुआ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रोथ स्कैन में या बोल सकते हैं कलर ड्रॉपलर स्कैन में देखा जाता है। डॉक्टर बहुत डीप स्टडी करते हैं और जो हमारे अल्ट्रासाउंड होता है उसमें भी ये सारी चीजें लिखी होती हैं। इस स्कैन को करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो सिटीज वाइज प्राइस होता है, हॉस्पिटल वाइज प्राइस होता है, तो प्राइस हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया में बात करें तो इसका 1500 से 3000 के बीच का प्राइस रहता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ और जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हमारे क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये है मेरे 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड और ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एलएमपी लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरा क्या उस समय वीक चल रहा था। तो मेरा एलएमपी के अकॉर्डिंग यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो हमारा लास्ट पीरियड आया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वीक था वो 33 वीक 4 डेज पे हुआ था ये अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया होता है कि आपका नाम क्या है, कौन से डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया है, आपकी उस टाइम पे एज क्या है, किस दिन पे आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी पर्सनल डिटेल लिखी हुई होती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फीटल नंबर, मतलब फीटल बोलते हैं बेबी को, तो कितने बेबी हैं हमारे स्टमक में। अगर सिंगल है मतलब एक बेबी है तो आपका सिंगल लिखा होगा, अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस लिखा होगा, अगर आपके 3 बेबी हैं तो ट्रिपल लिखा होगा। इंट्रा यूटराइन का मतलब होता है कि जो बेबी है वो हमारा यूट्रस के अंदर है, कुछ बच्चे फेलोपिन ट्यूब में होते हैं तो यहाँ पे इंट्रा यूटराइन है, मतलब यूट्रस में फीटस है। फेलोपिन ट्यूब में अगर बेबी है तो वो रिस्की प्रेगनेंसी में आ जाता है। फिर लिखा होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारा बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवर होगा या सिजेरियन सेक्शन होगा हमारा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। यहाँ पे बेबी की पोजीशंस लिखी होती हैं कि बेबी किस पोजीशन में, अभी 9 मंथ जब हमारा चल रहा है बेबी किस पोजीशन में हमारे पेट में है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखा होता है सिफेलिक, यानी कि बेबी का जो हेड है वो नीचे की साइड है और पैर ऊपर की साइड है, ये नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ये बिल्कुल सही पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपका सिफेलिक लिखा हुआ है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ब्रीच तो इसका मतलब है कि बेबी का हेड ऊपर की साइड में है और पैर नीचे की साइड में है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें सीजरियन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन बहुत मायने रखती है ये जानने के लिए कि आपका सी सेक्शन होगा या आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो यहाँ से आप जान सकती है। अगर इसके अलावा और
भी कोई पोजीशन लिखी हुई है आपके अल्ट्रासाउंड में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन होती है। जैसे अगर यहाँ पे वर्टेक्स भी लिखा है तो इसका मतलब यही है कि बेबी का हेड नीचे है और पैर ऊपर की साइड में है। सिफेलिक और वर्टेक्स का मतलब सेम ही होता है। फिर आता है लाई, लाई यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मतलब बेबी एकदम सीधा सीधा है, कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। फिर आता है हमारा FHR मतलब फीटल हार्ट रेट, यहाँ पे 151 मेरा BPM था बीट पर मिनट। FHR का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, आपकी बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कितनी गति से एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फीटल हार्ट रेट से पता लगाते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो ऐसा बोलते हैं कि फीटल हार्ट रेट अगर 140 से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा और 140 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। यहाँ पे मेरा जो फीटल हार्ट रेट था वो हमेशा 150 से ऊपर ही रहा है और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मानना चाहते तो मान सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ये चीज़ें सही नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक एक्टिविटी मतलब जो बेबी का हार्ट है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डिटेल स्टडी होती है बच्चे के हार्ट के बारे में और बच्चे का लीवर, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है कि किस तरीके से एक्टिविटी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रेगुलर यानी कि बच्चे का हार्ट रेट जो है वो हार्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं जो उसमें ब्लड फ्लो है वो सब कुछ एकदम ठीक है, रेगुलर है, नॉर्मल है। फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चे की नॉर्मल है, बच्चा अच्छे खासे मूवमेंट कर रहा है, सब कुछ ठीक है अंदर, तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल जो बच्चे से माँ को अटैच होता है, जो बच्चे तक ब्लड फ्लो पहुँचाता है, जो बच्चे तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा था। प्लेसेंटा कई तरीके का हो सकता है, जैसे एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है, फंडल हो सकता है, लो लाइंग हो सकता है। आपका प्लेसेंटा किसी भी टाइप का हो, प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तब वहाँ पर थोड़ा सा रिस्की प्रेगनेंसी होती है और आपको या तो सिजेरियन सेक्शन होता है उस कंडीशन में और डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। तो लो लाइंग प्लेसेंटा है तो थोड़ा सा रिस्की प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन अगर आपका एंटीरियर है, पोस्टीरियर है या फिर आपका फंडल है तो ये नॉर्मल प्लेसेंटा माने जाते हैं, इनमें प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के में ग्रेड लिखा होता है कि प्लेसेंटा का ग्रेड क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अक्सर ऐसा होता है जब तक प्रेगनेंसी हमारी 9 मंथ तक पहुँचती है या 8 मंथ तक पहुँचती है हमारे ग्रेड बढ़ते जाते हैं, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। इसका मतलब है प्लेसेंटा की मैच्योरिटी जो है, प्लेसेंटा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ग्रेड का मतलब यही होता है कि प्लेसेंटा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, अच्छे से मतलब प्लेसेंटा से बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो बस प्लेसेंटा की मैच्योरिटी होती है वो कितना अच्छा प्लेसेंटा हमारा ग्रो कर रहा है, इसीलिए वो ग्रेड लिखा होता है, लेकिन मेरे में इसमें नहीं लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा लिकर एनीमनी, जो हमारा यूट्रस में जो हमारा पानी रहता है वो कितना होता है। AFI लिखा होता है 9 से 10। यहाँ पे लार्ज पॉकेट 5 सेंटीमीटर का है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है एकदम। फिर आता है हमारा फीटल बायोमेट्री, जो हमारे बच्चे के बारे में पता लगता है। यहाँ से मेन ये होता है कि बच्चे के बारे में क्या चीज़ें पता लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के बारे में हमें पता लगती हैं। जैसे BPD हो गया, BPD का मतलब होता है बाईपेरेडियल डायमीटर। यहाँ पे बच्चे का ना पूरा जो फेस की गोलाई होती है वो नापी जाती है। इससे क्या पता लगता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार एक जो बच्चे का फेस है उसकी गुलाई की एक माप होती है, उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चे का जो माप है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। फिर होता है हेड सर्कमफेरेंस। HC का मतलब होता है हेड सर्कमफेरेंस, वो लिखा होता है। AC का मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, वो लिखा होता है। उसके बाद होता है FL, जो हमारे पैर की सबसे लंबी हड्डी होती है, हमारी बॉडी की जो पैर की हड्डी होती है उसको FL बोलते हैं, यानी फीमर लेंथ। तो ये नापी जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे EFBW का मतलब होता है एस्टिमेट फीटल बर्थ वेट, मतलब हमारा बच्चे का बर्थ वेट कितना होने वाला है जब वो डिलीवर होगा, ये उस टाइम का नाप लिखा होता है। अलावा लिखा होता है CUA, मतलब इसका होता है कि कितना अभी हमारा अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग हमारा कितना वीक चल रहा है। अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा 34 वीक चल रहा था, LMP के अकॉर्डिंग मेरा 33 वीक चल रहा था। तो ये यहाँ पे लिखा होता है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरा कितना वीक लिखा है, और यही सही भी माना जाता है। इसके अलावा
अलावा लिखा होता है EDD, मतलब एस्टिमेट ऑफ डिलीवरी डेट। तो ये होता है जब हमारी डिलीवरी हो सकती है, वो डेट लिखी होती है। तो इस डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होती है। इस डिलीवरी डेट से या तो 6-7 दिन पहले या 6-7 दिन बाद आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। लेकिन मेरी जो डिलीवरी थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, लगभग 15-20 दिन पहले हो गई थी। मुझे अप्रैल का टाइम मिला था और मेरी मार्च में डिलीवरी हो गई थी, 22 मार्च को मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो आपको भी इसी के अकॉर्डिंग तैयार रहना है। 15-20 दिन पहले अपना हॉस्पिटल बैग वगैरह सब कुछ लगा के तैयार रहिए, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। फिर आता है यहाँ पे ओपिनियन, जो डॉक्टर ने फाइंड किया है अल्ट्रासाउंड में, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और जो ये मेन चीज़ लिखी होती है वो यही होती है जो ब्लैक से डॉक्टर डार्क करके लिख देते हैं बोल्ड अक्षरों में, तो वो देखना होता है। यहाँ पे लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी ऑफ 34 वीक 1 डे। तो इसका मतलब है कि सिंगल इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी है, मतलब बच्चा जो है सिंगल है, इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी है, इतना वीक चल रहा है। अगर आपके स्कैन में कोई भी डिफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बेबी में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा क्लेरिफिकेशन दिया होता है कि बच्चे का सेक्स वगैरह जो जेंडर है नहीं बताया गया है प्रेग्नेंट लेडी को। यहाँ पे आपके साइन होते हैं, डॉक्टर के साइन होते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे 9 मंथ के अल्ट्रासाउंड में लिखी होती हैं, और यही सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं अल्ट्रासाउंड में। और बच्चे के बारे में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे लोग बेबी बॉय के और बेबी गर्ल में जानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो वो FHR और प्लेसेंटा से ही बताते हैं। एंटीरियर का मतलब होगा कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है, पोस्टीरियर का मतलब जानते हैं कि बेबी बॉय होने वाला होता है। लेकिन मेरे साथ में ये दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। FHR मेरी हमेशा 150 से अबव ही रही है और मेरा प्लेसेंटा भी एंटीरियर था। तो मेरे केस में ये चीज़ें सही नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में ये सही हो जाती हैं। ये था मेरी प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है, वो मतलब लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है ये प्रेगनेंसी का। इससे पहले भी हमारे 2-3 अल्ट्रासाउंड हो चुके होते हैं। वो सारे अल्ट्रासाउंड मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किए हैं, अपने चैनल पर शेयर किए हैं। तो वो सारे अल्ट्रासाउंड आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बताया नहीं कि बेबी बॉय होने पे क्या होता है, बेबी गर्ल होने पे क्या होता है, कैसे हम पता कर सकते हैं स्कैन देख के। तो सबसे पहले मैं चीज़ आपको यही बोलूंगी कि इंडिया में इलीगल है बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्लोज करना। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि कौन सा आपको बेबी होने वाला है या आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई हिंट अगर वो दे भी दे अगर आपको अल्ट्रासाउंड में, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। पहली बात तो अल्ट्रासाउंड में कोई भी ऐसा हिंट नहीं होता है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि प्लेसेंटा या FHR से बेबी का कुछ पता लगाया जा सकता है, जेंडर का बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे घर में अभी मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ है। उनका क्या था कि उनका जो बेबी था वो प्री मैच्योर हो गया था, उनका लो लाइंग प्लेसेंटा था और उनको बेड रेस्ट के लिए बोला था डॉक्टर ने, लेकिन उन्होंने उतने सारे प्रिकॉशन नहीं लिए जिसकी वजह से उनका प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई और बेबी प्री मैच्योर हो गया। आपको मैं बताऊँ कि वो बेबी लगभग 1.5 महीने से वेंटिलेटर पे है, उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, वो माँ का दूध नहीं पी पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा पैसा एकदम पानी के जैसे बह रहा है और लगभग 6-7 लाख रुपए उनका भी लग चुका है और डॉक्टर ने अभी 1.5 महीने का टाइम और मांगा है उसको वेंटिलेटर पे रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। एंड मोमेंट पे हमको एक हेल्दी और स्वस्थ बेबी मिले, हमारी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, वही हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों अपना भाग्य लेके आते हैं, दोनों अपना भविष्य ऊपर से लिखवा के लाते हैं, क्या होने वाला है उनका फ्यूचर आप डिसाइड नहीं करते, आपको बस उनको पाल पोस के बड़ा करना होता है। तो इन सब चीज़ों के मैं ना पढ़ें बिल्कुल भी और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।